बिहारी नंदलाल मेरो है, मांझी बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। किस किस के हैं गोपाल जी, जरा उठाइए हाथ। अगर झूठे हाथ उठाए हैं तो मत उठना प्यारे, अगर झूठा ही कहा है तो मत उठना, अगर सच्चे हृदय से कह रहे हो तो जरा उठ करके मेरे गोपाल के लिए जरा नाच करके रिझाते हुए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हाँ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल दीदी। आपने झूठा कहा क्या? गोपाल मेरो है, आपने झूठा कहा क्या? सच्चा कहा तो जरा खड़े होइए। अपने संग वालों को भी, सुनैना ने भी झूठा कहा, सिमरन ने भी झूठा कहा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हां श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आज शाम हो गई, नाना जी ने विश्राम करा दिया विठल नाथ को, और नाना जी बोले नामा नामा तू ठाकुर की सेवा अच्छे से करना, सुबह उठ के स्नान करना, स्नान करने के बाद आप ठाकुर को स्नान कराना, आप सुंदर सुंदर वस्त्र मैंने निकाल करके रखे हैं, चार पांच वस्त्र हैं, आप सब विठल नाथ के आगे रख देना, आप बार बार पूछना, जिस पर आपका दिल रीझ जाए, आपका हृदय रीझ जाए, मान लेना ठाकुर जी आज उसी वस्त्र को पहनना चाहते हैं। ऐसे ही आप पूरे दिन की सेवा बता करके अपने द्योते को श्री नामा जी को और वामदेव जी चले गए जिस कार्य से उन्हें जाना था। सुबह उठे नामा जी, रात नींद का आने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते 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 दिन कट गया, रात कट गई। सुबह उठते ही गंगा किनारे गए, समय से पूर्व बाग गए कि ज्यों ही ब्रह्म मुहूर्त होगा सबसे पहले डुबकी लगाऊंगा, आज मुझे मेरे विठल की सेवा मिलने वाली है, विठल की सेवा मिलने वाली है। पहुंच गए, गंगा स्नान किया, स्नान मनाने के बाद घर पहुंचे, घर पहुंच के वस्त्र पहने, सुंदर सा तिलक लगाया, अपने आप को खूब सजाया, क्योंकि नाना कह करके गए थे कि आप ठाकुर के सामने जब जाओ तो पूरा श्रृंगार करके जाना, जब रसिकजन ये सब सिंदूर वगैरह माथे पे और इस प्रकार की वेश धारण करते ही अपने लिए नहीं करते, ये जो गले में पहनते ऐसे ही नहीं पहनते, ये ठाकुर के नाम की चुनरी है कि प्रीतम तुम मेरे पति हो परमेश्वर हो, ये सब श्रृंगार। जैसे औरत, आप लोग जब ब्याह करके अपने ससुराल आए तो आपको आपकी सास ने एक बात जरूर कही होगी कि कभी भी अपने पति के सामने बिना श्रृंगार के मत जाना, बिंदी के बिना मत जाना, चुनरी के बिना मत जाना, 16 श्रृंगार में बेशक 16 ना कर सको लेकिन कुछ श्रृंगार अच्छा। आपको भाभी जी को शायद अपना समय याद आ रहा है, भाभी जी बात में बात कर लेना, समय है खूब, लेकिन मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है, मुझे तो कल चले जाना है, मैं चाहता हूं आप अधिक से अधिक भक्तों की कथा को श्रवण करें। ये सब श्रृंगार है, लोग पूछते हैं तुलसी की माला से क्या होने वाला है, अरे तुलसी की माला जब भोग अरोगा जाता है ठाकुर जी को तो तुलसी दल उस पर निवेदित की जाती है कि प्रभु को वो भोग कृष्ण अर्पण हो जाए, कृष्ण के योग्य हो जाए,
जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके मुख में तुलसी दल इसीलिए दिया जाता है कि ठाकुर इसे अपने वैकुंठ ले जाए। तुलसी दल कितनी महिमा है। और ये जो तुलसी और ये पट्टा ये रसिक जन अपने गलों में डालते हैं, ये ठीक उसी प्रकार पट्टा है। आप गली में घूमते फिरते कुत्तों को देखते होंगे, जब म्युनिसिपैलिटी वाले कुत्तों को पकड़ने आते हैं तो उन कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं जिन कुत्तों के गले में पट्टा नहीं होता। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे म्युनिसिपैलिटी वाले हाथ नहीं लगाते कि इसका कोई मालिक है, इसको हाथ लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ये तुलसी और ऐसे ये पटका है, हरी नाम के कुत्ते हैं। जब कभी यमराज आएगा तो 10 बार सोचेगा कि इसका कोई मालिक है, इसे हाथ लगाने से पहले सोचेगा। इसलिए सभी तुलसी धारण किया करो। ऐसे ही उस नामा ने अपना पूरा श्रृंगार किया, तिलक लगाया, वैष्णव तिलक लगाया, कंठी धारण की, माला पहनी, गले में सुंदर से चुनरी ओढ़ ली और पहुंच गया। जो ही पर्दा खोला, आज नामा को बरसों से इंतजार था लेकिन विट्ठल के दर्शन नहीं हो पा रहे। आज नामा को पर्दा हटा दिया लेकिन विट्ठल नाथ नजर नहीं आ रहे आज। क्यों? क्योंकि आज खुशी के मारे नामा की आंखें नम है। आज उसे धुंधली धुंधली छवि दिख रही है। आज रोते रोते उस बालक ने वो कपाट खोला है, वो पर्दा खोला। थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा, खो गया, आंखें पहुंची। ज्यों ज्यों नाना जी बता करके गए थे त्यों त्यों उसने श्रृंगार कराया, स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, 4-5 वस्त्र रखे। ठाकुर जी आप आज कौन सा वस्त्र पहनना चाहते हैं? मनुहार करता रहा बार बार, बोलो अब तो कुछ बोल दो। इस प्रकार जब उनका दिल रीझ गया कि इस वस्त्र को पहनाना चाहिए, सबसे सुंदर वस्त्र उसने पहना दिया, सुंदर श्रृंगार किया। तोतली तोतली भाषा में उसने विठल विठल विठला पांडुरंग विठला कह करके उसने ठाकुर की आरती उतारी, जैसे नाना जी उतारते थे। पहले उसने आरती उतारी, फिर शंख से पानी उतारा, फिर सुंदर सुंदर पुष्प से उसने आरती उतारी, फिर साफ सुथरे कपड़े से उसने आरती उतारी, उसने चवर झुलाया, पूरी आरती उसी प्रकार जैसे नाना जी वामदेव जी करते थे। याद आया कि बाबा मेरे नाना जी भोग लगाते हैं, आज मैं दूध का भोग ओटूंगा। उसने दूध ओटा, उसने गर्म गर्म दूध ओटा, उसमें इलायची डाली, थोड़ी सी शक्कर डाली और ठाकुर के सामने निवेदित कर दिया, पर्दा कर दिया और कहने लगे, अगर भैया भोग तैयार हो गया हो तो भोग ले आओ। आइए विठल नाथ जी के आगे एक प्रसाद है, जरा प्रसाद का भोग। आगे कपाट कर दिए, पर्दा कर दिया, दूध उठा करके अंदर रख दिया, सोने के सुंदर से पात्र में दूध रख दिया और पर्दा किया। और पुकार कर रहे हैं नामदेव जी, क्या कह रहे हैं? आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन मेरा भोग करो, सविता श्याम मेरा भोग करो, सविता। आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन मेरा भोग करो, सविता श्याम मेरा भोग करो, सविता। हो जाए आओ मोहन भोग
करके देखा मेरे विठल नाथ भोग पी रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और एक आंख खोल करके देखी, अरे अभी तो विठल ने हाथ नहीं लगाया। फिर गाने लगे मस्ती में, आओ भोग मोहन गाओ मोहन मेरा भोग करो स्वीकार श्याम मेरा भोग करो स्वीकार। आओ मोहन भोग लगाओ मोहन मेरा भोग करो स्वीकार श्याम मेरा भोग करो स्वीकार। और बार बार देख रहे हैं, पुने पुने पर्दा हटा करके देखते हैं कि शायद अब पी ले, शायद अब पी ले, लेकिन विठल नाथ ने भोग नहीं लगाया। पूरी रात बैठे रहे गाते रहे, आओ मोहन भोग लगाओ मोहन मेरा भोग करो स्वीकार श्याम मेरा भोग करो स्वीकार। मोहन भोग लगाओ मोहन मेरा भोग करो स्वीकार श्याम मेरा भोग करो स्वीकार। और ठाकुर ने भोग उस समय स्वीकार नहीं किया। नामदेव जी, हम लोग क्या करते हैं घर में, अच्छा भोग कौन कौन लगाता है ठाकुर जी को? जैसे आप लगाते हैं ना, ऐसे ही वामदेव जी लगाते थे उसके नाना। भोग रखा, जैसे भी पर्दा किया ना पंडित जी ने, फिर घंटी बजाई, लग गया भोग। ऐसे ही वामदेव जी क्या करते थे, हम सब भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन उस नन्हे से बालक को क्या पता कि भोग कैसे लगाया जाता है। उसने तो सोचा कि स्वयं ठाकुर आएंगे, मेरे ओटे हुए दूध को पिएंगे और फिर थोड़ा सा प्रसाद रूप में मेरे लिए छोड़ करके जाएंगे। ऐसे ही तो कहा था वामदेव जी ने, मेरे नाना जी ने ऐसे ही तो कहा था। लगता है मेरे दूध ओटने में कोई कमी रह गई, लगता है मैं इसमें इलायची कुछ ज्यादा हो गई, केसर कुछ कम हो गया। अपने आप में ऐसी 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 अनेकों अनेक बातें करने लगे, ऐसी ऐसी अनेकों अनेक बातें करते करते अगला दिन आ गया। बोले आज ठाकुर को दूध अच्छे से उठाऊंगा। पुनः वही सब प्रतिक्रिया हुई, वैसे ही स्नान मनाया ब्रह्म मुहूर्त में, उसी प्रकार से ठाकुर को श्रृंगार किया, उसी प्रकार से मेरे ठाकुर के आगे बढ़िया सा दूध औठा, बढ़िया से उसको थोड़ा ठंडा किया, शायद कल गर्म ज्यादा हो गया। उसमें केसर बड़े हिसाब से नाप तोल करके डाली, केसर उसमें इलायची बड़े प्रेम से उसको ठाकुर के सामने निवेदित किया, तुलसी दल डाला कि प्रभु आज तो स्वीकार करो। लेकिन उस दिन भी मेरे ठाकुर ने भोग को स्वीकार नहीं किया। और ऐसे करते 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 तीसरा दिन आ गया। उठने से पहले बोले कि देखो मुझे ज्यादा भक्ति पूजा नहीं आती ठाकुर जी, आपको जैसा दूध चाहिए वैसा बता दो, और दूध पीने की इच्छा ना हो तो भी बता दो। अरे आप दूध पी नहीं रहे, आप भोग पा नहीं रहे, अरोग नहीं रहे, और मैं 3 दिन से भूखा हूं, आपको तरस नहीं आ रहा, छोटा सा बालक भूखा है। मेरे को नाना जी मना करके गए थे, जब तक ठाकुर को भोग ना लगे, जब तक ठाकुर को भोग आरोग ना दो, उससे पहले आप भी कुछ पाइएगा नहीं, आपको दया नहीं आ रही। तोतली तोतली भाषा में वो ठाकुर से प्रार्थना कर रहा है। तीसरा दिन आया, ऐसे ही उसने भोग आरोगा। बोलते बोलते जब उसके वश में नहीं रहा तो वो ठाकुर से पुकार करने लगा। निकाल ली उसने कमरे में, दौड़ा दौड़ा गया जहां पर रसोई थी, वहां से चाकू उठा लाया और उठाकर के अपनी गर्दन पे रख लिया कि ठाकुर यदि आप आज भोग नहीं आरोगोगे तो मेरे नाना जी आ जाएंगे। मेरे नाना जी को पता चल गया कि आपने भोग नहीं आरोगा तो वो मेरी ये सेवा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। मैं आपकी सेवा को खोना नहीं चाहता, उससे पहले तो मेरे प्राण चले जाए, मैं अपने आप को अभी आपके सम्मुख ही खत्म कर देता हूँ। और कहने लगे करुण पुकार, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार।
शाम कब आओगे। आप भी कहिए यदि चाहते हैं ना कि शाम आपके घर आए और आकर के कभी वापस ना जाए, तो जरा आप भी हृदय से पुकारिए। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब। अनुराग जी, किस बात पे रूठे हो आकर तो बताओ सही, किस बात से रूठे हो आकर के बताओ सही, मन मोहक दिल मेरा ये लगता नहीं, सोना तुम बिन संसार रही अकिया तुम्हें निहार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। हमारे अनुराग जी बहुत प्रेमी हैं, जब इनको पता चला कि भक्तमाल में यहाँ हरिद्वार में होने जा रही है, तो नित प्रतिदिन हमारे गौरव जुनेजा जी को फोन करके रोज पूछते कि कब है कब है। तो मैं बिहारी जी के इस प्रसादी को उन तक पहुंचा रहा हूं। भोग नहीं अरोगा तो आज मैं इस कटारी से अपनी जान दे दूंगा प्यारे। आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घन शाम, पल पल मैं घबराऊं कैसे रखूं दिल था, बिखरा मेरा सिंघार, मैं बिलख रहा है प्यार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, ओ शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कटारी को अपनी गर्दन पर रख कर के चलाने लगा। क्यों ही विठल नाथ ने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही बोले, अरे 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 नामा ये क्या कर रहा है,
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जावे पर भक्त का मान ना टलते देखा। विठल से रहा नहीं गया। विठल रोते रोते कि अरे अरे तू मेरे भाव में इतना डूब गया, मुझे तो लोग भोग लगाते हैं, अगर मेरा पसंदीदा भी कोई व्यंजन आ जाए तो भी रखते बाद में घंटी बजा के उठा पहले लेते। ऐसे ही करते हो ना आप सब। और हकीकत तो ये है कि हम अगर हमारे घर में चार सदस्य हैं, दो दो रोटी भी सबकी बनती हो तो आठ रोटी हम लोग बनाते हैं। आठ ही हुई ना? अरे जवाब दो, आठ ही हुई ना? तो ठाकुर की कहां बना रहे हैं? ठाकुर को गिनते ही नहीं उसी आठ में से ही, क्योंकि हमको पता है ये थाली घूम करके आनी तो मेरे ही पास है एकादशी। अच्छा मैंने देखा है ऐसा, हकीकत है एकादशी। अच्छा आप में से एकादशी कौन कौन रखता है जरा बताइए। आपके घर उस दिन अन्न नहीं बनता अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं। सच सच बताना, जो आप खाते हो ठाकुर जी को निवेदित करते हो कि नहीं करते? वही करते हो ना? अरे ठाकुर जी कब रखते हैं एकादशी? ठाकुर जी बड़े हैं कि एकादशी बड़ी है? कभी आप फल का, आपकी इच्छा हो कि आज फल पे ही रहेंगे तो आप उन विचारों को भी फल निवेदित कर देते हो, ले तू भी फल का, क्योंकि पता है आना तो घूम के हमारे पास ही। एकादशी बड़ी हुई के ठाकुर जी बड़े हुए? हम गिन करके रोटी पकाते हैं। अरे किसी दिन तो बनाओ कि आज मेरे ठाकुर के लिए है, आज मेरा ठाकुर पाएगा, देख लेना किसी दिन। लेकिन भाव से हो, उसकी उसकी परीक्षा लेने हेतु लाओ। आपका भाव जिस दिन जागृत हो, जिस दिन लगे कि आज मेरा शाम आएगा, चाहे कोई उस दिन मेहमान ही क्यों ना आ जाए, मेरा शाम उस भोग को पाएगा, गारंटी है मेरी। कभी भाव से आरोगो तो सही, भाव की बात है सारी। मीरा ने भाव से ही तो पुकारा था। एक दिन एक बाबा हुए हैं वृंदावन में, ग्वारिया बाबा, फकड़ फकीर, जेब में एक आना नहीं उनके। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये भी ज्यादा 40-50 वर्ष पहले की बात है। ग्वारिया बाबा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, जो कि ठाकुर जी की सेवा में भ्रमलीन हो गए हैं, उनके मुख से सुनाई। ग्वारिया बाबा जो कि ठाकुर को सदैव यार मानते थे, भाव की बात है, उन्होंने कभी प्रभु नहीं कहा, कभी प्रभु नहीं कहा, सदैव जाकर के सलूट मारा है ठाकुर को, बांके बिहारी को सलूट मारा है, जैसे यार यार से मिलता है, ऐसे मिलते ग्वारिया बाबा बिहारी जी से, ऐसे मिलते ग्वारिया बाबा। एक दिन मिलने जा रहे हैं बिहारी जी से, इच्छा हुई कि अरे आज यार को लड्डू का भोग पवाएंगे, आज यार को लड्डू का भोग पवाएंगे। किसी दुकानदार से कहा कि भैया मेरे यार के लिए चार लड्डू तो दो। वो दुकानदार समझता था, जानता था कि ग्वारिया बाबा फक्कड़ फकीर हैं, इनका भाव बहुत उच्च कोटि का है, एक आना भी एक पैसा उसने नहीं मांगा। तुरंत उसने दोने में चार लड्डू रखे और ग्वारिया बाबा के हाथ दे दिए, लो बाबा आपके यार के लड्डू हैं, आपके यार के लड्डू हैं। जो ही ग्वारिया बाबा श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करा और देखा बहुत सुंदर सुंदर परात, एक से एक सुंदर परात ढक करके सुंदर सुंदर वस्त्रों से बिहारी जी के मंदिर में जा रहा है। आज किसी सेठ के पुत्र का जन्म दिवस है, आज ठाकुर को 56 भोग अरोगा जा रहा है। ग्वारिया बाबा सोचे आज ये मेरा भोग क्यों पाएगा, आज ये 56 भोग खाएगा, ये बूंदी के लड्डू क्यों खाएगा। शर्म आ गई ग्वारिया बाबा को अपने लड्डुओं पर। कोने में जाकर के अपना अंगोछा उतारा, जमीन पे बिठाया बिछाया और उस पर लड्डू रख कर के बैठ गए। यार से अपने दिल की बात कहने कि यार मैं तो आज तेरे लिए लड्डू लाया था, आज तेरे 56 भोग है, तू आज मेरे लड्डू कहां पाएगा, तेरी भी लीला अपरंपार है। अरे कल मंगा लेता,
तेरी इच्छा भी थी तभी तूने मंगवाया। ऐसे अनेकों अनेक बातें आंख मूंद करके कर रहे हैं अपने यार से। और छप्पन भोग बिहारी जी के मंदिर में गया, कपाट हो गए, भक्त माल कथा का गायन किया गया। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, बिहारी जी को जब भोग अरोगा जाता है तो श्री भक्त माल भी निवेदित की जाती है, भक्त माल का गायन किया जाता है। भक्त माल का गायन हुआ, लेकिन जो ही गोसाई जी कपाट खोलने गए तो कपाट खुले ही नहीं प्यारे, कपाट खुले ही नहीं। गोसाई परेशान हो गए, अरे ये क्या हो गया, बाहर से किसी ने बंद किया नहीं, अंदर कोई है नहीं, ये अंदर से चटकनी कैसे लग गई, ये खुल क्यों नहीं रहा कपाट, अरे अंदर तो चटकनी भी नहीं है, कोई संगल नहीं है, आज ये इस गेट को हुआ क्या। गोसाई जी परेशान, पब्लिक पे पब्लिक, एक से एक भक्त बैठे, अरे किसी को पता चल गया तो बड़ी निंदा हो जाएगी, ये क्या हो गया। परेशान गोसाई जी बाहर आकर के दूसरे गोसाई पूछ रहे, गोसाई जी आप कपाट खोलो। बोले अरे कहां से खोलू, खाक खोलो, अंदर तो कोई भूत सा पड़ गया है, मुझे लगता है आज खुले ही नहीं रहे, कैसी बात कर रहे हो, पता नहीं कौन है, पता नहीं क्या लीला है बिहारी जी की। एक गोसाई बोले कि भैया घबराओ मत गोसाई जी, आप जाइए और पीछे ग्वारिया बाबा से जरा कहिए कि अपने यार से कहो कपाट खोल दे, आप उनसे जाके निवेदन कीजिए। गोसाई जी गए ग्वारिया बाबा से निवेदन किया, बाबा बाबा तो बात कर रहे थे यार से, एकदम से हिल गए, हाँ हाँ गोसाई जी बोलिए बोलिए बोलिए। गोसाई जी बोले अपने यार से कहो जरा कपाट खोल दे, कपाट नहीं खुल रहे, छप्पन भोग लग रहा है, सेठ बार इंतजार कर रहा है, भक्त बार इंतजार कर रहे हैं, गोसाई लोग इंतजार कर रहे हैं, कपाट नहीं खुल रहा। बोले अब जाके खोलो कपाट खुल जाएगा। गोसाई चौक से गए, पहुंचे वापस, पुनः स्नान किया, वस्त्र बदले, ये वहां का रिवाज है, ये वहां का एक नियम है, पुनः परिकर में प्रवेश करने से पूर्व स्नान किया जाता है, फिर वस्त्र पहने जाते हैं शुद्ध, फिर अंदर जाया जाता है। गोसाई जी ने स्नान किया, अंदर गए, जो ही कपाट खोला, कपाट खुल गया। अरे कपाट खुलते ही यूं ही फटाफट से थाल उठाया और बाहर भागे, बार भागे। अभी अभी प्रसाद जो निवेदित किया था वो भी दिया सेठ के हाथ में बांटने के लिए। इतनी देर में संध्या आरती होने लगी, संध्या आरती के लिए जो ही सबने आरती की, आरती समापन हुई, उसके बाद ठाकुर जी को शयन पद सुनाए गए, लोरी सुनाई गई, ठाकुर जी को विश्राम हो रहा था, ठाकुर जी को विश्राम कराया गया, कपाट बंद कर दिए गए। उसके बाद सारी जनता सारे भक्त जब मंदिर से बाहर जा रहे तो सबसे अंत में ग्वारिया बाबा थे। गोसाई निंजे एकदम से जाकर के ग्वारिया बाबा का हाथ पकड़ लिया और एकदम से पीछे खींच लिया और बोले ग्वारिया बाबा आज की लीला आप बताइए, आज ऐसा क्या था, आपने कहा तो कपाट खुल गए, हम कितनी देर से निवेदन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कपाट नहीं खुले, क्या लीला है। बोले कुछ नहीं भैया, यार की बात है, दिलदार की बात है, यारी सही यार से हो तो यारी का मालूम होता है। गोसाई जी पुनः स्नान मनाया, पुनः वस्त्र बदली किए, कपाट में गए, जाकर के जो देखा हक्के बक्के रह गए। जानते हो बिहारी जी के उस कक्ष में क्या देखा गोसाई जी ने, जब गोसाई जी पूछने गए ग्वारिया बाबा से ये लीला क्या थी, बोले अरे लीला को छोड़ो यार, वो मेरा मेरे वो लड्डू पाने आया था और तुमने यूं झिंझोड़ दिया कपाट के चक्कर में, मैं अपने यार का मुख पोंछना भूल गया, अरे उसके जूठन लगी है लड्डू की, जरा जाकर के हटा तो दो। वो चौंके इसलिए गोसाई जी जब अंदर गए तो बिहारी जी के मुख पे उस लड्डू की जूठन लगी थी, प्यारे जूठन लगी। आज रोने लगे गोसाई जी की, वाह वाह तेरा भाव,
ऐसे भाव होने चाहिए। इसी भाव से नामा ने भी पुकारा, ठाकुर आए, दूध पिया, कुछ प्रेम भरी बातें उस बालक में और विठल नाथ में हुई। चले गए विठल नाथ खुशी खुशी कि अब नाना से डांट नहीं पड़ेगी, अब नाना समझ जाएंगे। जो जो ही विठल नाथ जी दूध पी रहे थे तो एकदम से नन्ने नन्ने हाथों से विठल नाथ का हाथ पकड़ लिया नामा ने कि अरे प्रभु, तीन दिन से भूखा हूं, सारा दूध पी जाओगे तो मैं प्रसाद कैसे पाऊंगा। हंसते हंसते विठल नाथ ने वो प्रसाद रूप का वो कटोरा नामा को अपने हाथ से, अपने कर कमलों से उसके मुख में डाला, वो प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन नाना आए, नाना आए और नाना जी को बात बताई कि आज तो मेरे साथ ठाकुर जी ने बहुत बातें की, ठाकुर जी ने प्रसाद स्वीकार किया और अपने हाथों से मुझे मुझे मेरी सरकार ने प्रसाद निवेदित किया, आज मुझे प्रसाद आज दिया सरकार ने। नाना जी बोले, बालक है ऐसी ऐसी बात कर रहा है। अच्छा क्या हुआ? बोले तीन दिन तक तो बहुत परेशान किया विठल ने, तीसरे दिन मैंने कटारी उठा ली, प्रसाद अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं अपना गला काट लूंगा, ऐसा कहते तुरंत आ गए। वामदेव जी को कुछ शंका हुई नाना जी को, बोले अच्छा बताओ, लेकिन नामदेव जी के शब्द कुछ और रहे होंगे, लेकिन यही भाव रहा होगा कि जैसे सपने की बात एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, आइए आनंद लीजिए इसी भाव के साथ। उसके बाद आगे की कथा की ओर, सारी सारी बात बता दी, ज्यों ज्यों वृतांत बीता उसी प्रकार सारी बात बता दी नाना जी को। नाना जी ने कहा ठीक है, आप मुझे पुनः बताइए, आप आज भोग आप निवेदित कीजिए। मंदिर के अंदर प्रवेश किया नामदेव जी ने, उसी प्रकार दूध उठाया और लेकर के उस सोने के पात्र में विठल नाथ के पास पहुंचे, प्रार्थना करी, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला आप भोग लगाइए। लेकिन आज आज कहां आने वाले थे, उस दिन तो भाव की बात थी, उस दिन तो भाव की बात थी। विठल प्रेम की सभी बातें कर तो गए नामदेव से, लेकिन नामदेव को बताना भूल गए कि तेरा जब भी मिलने का मन हो एकांत में मुझे याद करना। लेकिन यहाँ तो नाना जी बाहर बैठे पर्दे के झरोखे को उठा करके देख रहे हैं, आज कैसे आए। लेकिन विठल के सम्मुख बैठा वो नन्ना सा बालक नामदेव, वो नामा नाम का बालक आज वही जिद करने लगा। जब उसे लगा कि लगता है आज विठल मेरी पिटाई करवाना चाहते हैं, आज ये मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं, अरे कल पिया है आज क्यों शर्मा रहे हो। ऐसी अनेकों अनेक तोतली तोतली बातें करने लगे नामदेव जी। काफी वक्त बीत गया, भोग नहीं निवेदन किया, स्वीकार नहीं किया नाथ ने। इतने में पुनः भागे नामदेव जी, पुनः कटारी उठाई अपनी गर्दन पर रख ली कि आज मैं अपनी गर्दन काट लूंगा, मैं ऐसे जीवन का क्या करूंगा जिसमें आप नहीं है, आपकी सेवा नहीं है, इधर नाना जी मेरी पिटाई कर देंगे, नाना जी मुझसे रूठ जाएंगे कि आप झूठ बोलते हो, आप मुझे झूठा साबित करना चाह रहे हो। ऐसी अनेकों अनेक बातें करके जो ही कटारी चलाने लगे, पुनः विठल नाथ प्रकट हुए और हाथ पकड़ लिया। जो ही हाथ पकड़ा, बाहर से वामदेव जी के आंखों में अश्रुधारा बह उठी, अश्रुधारा बह उठी। आज आज मेरी ये बेल जो है आज वो अंकुरित हो रही है, आज मेरी सेवा सेवा के इस वृक्ष पर आज आज पुष्प निकला है, आज एक फल, आज फल एक अंकुरित हुआ है,
आपके घर में कोई पौधा हो आपके हाथ से लगाया हुआ और उस पर जब कोई पहली कली निकले आपके मन को कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार ऐसी ही प्रसन्नता आज वामदेव जी को हो रही है कि आज मेरी ये बेल अंकुरित हो रही है, आज इस पर एक कली निकल रही है, एक फल निकल रहा है, आज ठाकुर ने सेवा स्वीकार कर ली। ठाकुर प्रेम से रीझते हैं, भाव से रीझते हैं। उस नन्हे बालक के कारण आज वामदेव जी को भी दर्शन हो गए। जैसे मैंने कल बताया विराग्यवती के विराग्यवती उस कन्या के माध्यम से उस चोर को भी दर्शन हो गए। आप किसी संत के संग जुड़ जाने मात्र से आप पर भी वही कृपा होने लगती है, वही कृपा होने लगती है। वामदेव केवल नाना थे नामदेव के, उनको भी दर्शन हो गए, उनको भी दर्शन हो गए। एक बार की बात है, एक बालक था किसी घर में जन्मा, बहुत खाता था, बहुत खाता था वो बालक। घर वाले परेशान हो गए, अरे भैया इतना खाते हो, इतना खाते हो, कुछ सोचा तो करो। जब उस बालक से ऐसी बात करते तो बालक कहता, अरे कहां खाता हूं मैं, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जो मैं खाता हूं उस पर मेरा नाम लिखा है, मैं वो खा रहा हूं। उसके घर वाले बोले, दाने दाने मत का कर, बोला कर बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम, बोरी बोरी खाली कर जाता है, कह रहा है दाने दाने पर लिखा है। माता जी कहती है उसकी, अरे बीच बीच में पानी भी पी लिया कर, खाता ही रहता है, खाता रहता है। वो पेटू कहे, अरे बीच आए तो सही, बीच आए तो सही, इतना खाता। एक दिन गुस्से में आकर के परिवार ने उस बालक को घर से निकाल दिया। शाम को घूमता फिरता पुणे आ गया घर के बाहर। मैया ने कहा, तू गया नहीं, मुझे लगा शायद आपने गुस्से में निकाल दिया है। बोले नहीं, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, इतना तो यहाँ कोई कमाता नहीं जितना तेरे ऊपर अकेले पे, कुछ नहीं तेरे लिए, कुछ नहीं है, तू भाग जा यहाँ से, तू भाग जा। अच्छा आजकल का भी यही हाल है, पहले थी नौकरी, सुनने वाली बात है खुराना जी, पहले थी नो करी, नो करते थे एक खा लेता था, इसलिए उसका नाम था। हाँ जी, फिर आई चाकरी, एक करता था चार खा लेते थे। फिर क्या रहा, तनखा, फिर क्या रही, क्या रही, हरी बोल, अरे बोलो क्या रही, तनखा, खाली अपने तन लायक ही गुजारा हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो श्री राजेश्वरन जी महाराज कहते हैं, अरे इससे भी कुछ आगे बढ़ चुका है जमाना। बोले कहां, खुराना जी बात सुनने वाली है। बोले इससे भी आगे है, तनख्वाह से भी आगे, अरे अब तो रह गया वेतन, अब तो तन तक भी नहीं पहुंच रहा वेतन। विनोद की बात है, हास्य की बात है, केवल उस बालक को निकाल दिया। वो बालक घूमता 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 पहुंचा एक जगह, उसने देखा साधु मंडली बैठी है, हरि नाम संकीर्तन चल रहा है। वहां पर जाकर के पूछा, जब संकीर्तन विश्राम हुआ, जो मुख्य वहां पर पुजारी थे, गुरु जी थे, उनसे पूछा कि बाबा ये आप क्या कर रहे थे। बोले हम संकीर्तन कर रहे थे। और ये जो आपके संग थे ये कौन थे। बोले ये हमारे शिष्य हैं। अच्छा शिष्य हैं, आपके संग रहते हैं। बोले हाँ, आपके आश्रम में रहते हैं, आपका आश्रम भी होगा, इतने सारे शिष्य हैं, आपका आश्रम होगा। बोले हाँ हमारा आश्रम भी है, तो ये सब वहीं रहते हैं। हाँ ये सब वहीं रहते हैं, तो इनको भोग भी देते हो गए आप, खाने को भी देते हो। बोले हाँ, तो आप मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरुजी ने कहा ठीक है, उसे दीक्षा दी, कंठी दी, तिलक लगाया, उसे शिष्य बना लिया। जब शिष्य बन गए, आश्रम में गए, गुरुजी यहाँ पर कितनी पंगत होती है, चार चार पंगत होती है दिन में यहाँ,
अच्छा अच्छा गुरुजी, अगर मैं आपकी चारों पंगत में बैठ जाया करूं तो कोई इतराज तो नहीं? वो बोले, लगता है भूखा आया है, कुछ दिन बैठेगा फिर आ जाएगा लाइन पर। ठीक है, आप चारों पंगत में बैठ लिया करना, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो रोज का ही नियम हो गया, चारों पंगत पहली वाली बैठे आखिरी उठे तब भी उसको निवेदन करना पड़े बार बार कि भैया अब तो उठो। बोले, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बोले, भैया तू कहा कर बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। खैर, एक दिन एकादशी आई, सुबह सुबह वह बालक उठा, नहाया धोया और आकर के गुरुजी से पूछने लगा, अरे गुरुजी आज तो चूल्हा चौका नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज बर्तन नहीं चढ़ाए। बोले, अरे हम आपको बताना भूल गए, आज एकादशी है, आज एकादशी है, आज आज यहाँ पर आज प्रसाद नहीं पकेगा, आज सब फलाहार खाएंगे, सब फल खाएंगे, केवल सब फल पाएंगे। बोले, गुरुजी अगर आज आपने मुझसे एकादशी करवा ली तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, हम द्वादशी का तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। बोले, ये तो बड़ी समस्या की बात है, चलो हमारे आश्रम में तो नहीं बन सकता, हम आपको पकवान की कुछ सामग्री दे देते हैं, आप किसी वृक्ष के तले आश्रम से कहीं दूर गंगा के कहीं किनारे आप बर्तन ले जाइए, आप यहाँ से सब राशन सामग्री ले जाइए, आप पकाइए और खाइए। बोले, ठीक है। और सुनो, प्रभु को पहले भोग जरूर अरोग लेना, प्रभु को प्रसाद पक जाए उसके बाद बुलाना जरूर भोग पाने के लिए। बोले, ठीक है गुरु। भोग अरोगने के लिए सारी बात बता दी, गुरुजी जैसा जैसा कहा वैसा वैसा ही उस चेले ने आकर के किया, भोग पकाया, बहुत समय लग गया आज भोग पकाने में, पहली बार पका रहा था बेचारा पेटू, उसे क्या पता कैसे भोग बनता है, खाने की मालूम थी, पर कैसे ना कैसे करके बेचारे ने भोग बना लिया, भोग लगाया और भगवान के समीप रखा उसने मानसिक सेवा में कि ये प्रसाद है और श्री राम जी को बुला रहा है, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए, ओ श्री राम आइए मेरा भोग पाइए, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए। काफी देर बैठा रहा, जैसे ही आंख खोली श्री रामचंद्र जी वहां खड़े हैं और संग में श्री लक्ष्मण जी भी आए। बोले, ठाकुर जी ने तो कहा था भोग लगा लेना, एक का ही बताया था प्रभु राम को भोग लगाना, ये संग में किसे ले आए? बोले, प्रभु आपके संग कौन है? राम जी बोले, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अच्छा, आपके संगी रहता है? हाँ, मेरे संगी रहता है। तो जो आप भोग पाएंगे वो ये भी पाएंगे? बोले, ये भी पाएंगे। बोले, बनाई थोड़ा सा है, इसमें आप भी पाओगे, ये भी पाएंगे, मैं भी हूँ, कोई बात नहीं, पाइए। भोग पाया श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने भी पाया। अगली एकादशी आ गई, गुरुजी इस बार राशन थोड़ा ज्यादा देना, आपने कहा था राम जी को भोग लगाना, वो संग में अपने भाई को भी लाते हैं, तो भाई के नाम का भी थोड़ा सा बढ़ा देना। गुरुजी बोले, लगता है पिछली बार इसकी भूख ना मिटी नहीं थी, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा राशन ज्यादा दे दो, बढ़ा करके राशन दे दिया। फिर भोग पकाया, फिर निवेदन किया, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए। मेरे भोग को पाओ। आंखें खोली, संग में श्री राम जी के संग लक्ष्मण जी, सीता मैया, भरत जी। अरे भैया, ये क्या हो गया? बोले, ठाकुर जी मुझसे कोई दुश्मनी है तुम्हारी? मैं आपको पुकारता हूँ, पिछली बार लक्ष्मण जी को ले आए, इस बार दो का इंतजाम किया, दो और बढ़ा लाए संग में, कोई बात नहीं, पाइए।
बैठ गए दूसरी तरफ राम 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 जपने, बोले मुझे तो आज मिलने वाला नहीं है, यही पाले। तीसरी एकादशी आई, तीसरी एकादशी पे गुरुजी से फिर बोला कि प्रभु मेरे गुरुजी आप थोड़ा सा राशन ज्यादा देना, इस बार चार आए थे पिछली बार, इस बार ना जाने कितने आ जाएं। बोले लगता है इसको या तो ये तो कहीं बेच करके आता है राशन, इसका पीछा किया जाए। गुरुजी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप भी चलो हम भी चलते हैं सब, आज इसकी इसकी आज नजर रखते हैं आज इसके ऊपर। राशन दे दिया और वहां पेड़ के तले ले जा करके सारा चूल्हा चौका रखा और राशन ऐसा बंद का बंद रखा और आंख मीट करके और बोलने लगे आज भोजन नहीं बनाया। बोले संग में उनके महिला भी आती, वो ही पकाएगी, मैं क्यों पकाऊं। ऐसे ही उल्टे बर्तन रख दिए और बोला श्री राम आइए मेरा भोग पाइए, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए, श्री राम आइए मेरा भोग पाइए। जो ही आंख खोली तो देखा हो आज तो पूरा परिवार है, चारों भाई संग है, मैया सीता है, आज हनुमान जी हैं और इनका दर्शन पाने की लालसा में जो संत सभी खड़े रहते हैं आज सभी संत भी आ गए। बोले आज तो मिलना ही नहीं, आज एकादशी होके रहेगी। खड़े हो गए, रोने लगे कि प्रभु मेरी सिख दुश्मनी क्या है, आप हर बार आते हो भोग पाके जाते हो, अगर आप मुझे बता जाओ कि अगली बार कितने लोग आएंगे भोग पाने, कम से कम उतना इंतजाम तो कर लूं, आपको मेरे से कोई दुश्मनी है। और पीछे बैठे गुरुजी जो चोरी चोरी देख रहे थे उन्होंने लगा ये किससे बात कर रहा है, ये बात किससे कर रहा है। आए गुरुजी आगे कि पेटू पेटू तू ये क्या कर रहा है। बोले करूं क्या महाराज, जितना राशन दिया है उससे ज्यादा तो मंडली आई है। बोले मंडली आई है, कहां है मंडली। गुरुजी को दर्शन नहीं हुए, चेले को दर्शन हो गए, गुरुजी को दर्शन नहीं हुए, चेले को हो गए। गुरुजी ने कहा कि अपने श्री राम जी से प्रार्थना करो कि मुझे भी दिखे, मुझे भी दर्शन दे। पेटू ने कहा महाराज ये मेरे गुरुजी हैं, आप इन्हें भी दर्शन दो, आप इन्हें भी दर्शन दो। बोले नहीं, मैं केवल केवल और केवल सरल व्यक्तियों से मैं अपना नाता रखता हूं। बोले बहुत अनुरागी हैं, आपके प्रेम में डूबे रहते हैं, एकादशी करते हैं। बोले बेशक करते हैं, लेकिन मैं सरल के चित्त में रहता हूं, केवल और केवल सरल के चित्त में। सरल, हाँ सरल, जानते हैं सरल कौन होता है, आप जानते हैं सरल कौन होता है। सह से सीता, रह से राम और लय से लक्ष्मण, जिसके हृदय में विराजमान हो वो सरल है भैया, वही सरल है जिसके हृदय में तीनों विराजमान। बोले ये हृदय से तो सरल है लेकिन स्वभाव से सरल नहीं है, इसलिए हम इन्हें दर्शन नहीं दे सकते। आज रोने लगे जब उन्होंने शिष्य ने बताया कि पेटू ने बताया कि प्रभु राम जी ऐसा कह रहे हैं, रोने लगे। उनके उनकी अश्रु धारा को देख देख करके आज पेटू भी रोने लगा, लेकिन पेटू का दुख देखा नहीं गया। श्री राम जी ने उनके गुरु जी को भी दर्शन दे दिए, प्यारे गुरु जी को भी दर्शन। ये है भाव की बात, क्योंकि गुरुजी केवल प्रभु की भक्ति पाने के लिए एकादशी करते, व्रत करते, पूजन करते, नाम जपते, केवल केवल भक्ति पाने के लिए। एक स्वार्थ था, चाहे भक्ति का सही लेकिन स्वार्थ था। और वो पेटू, पेटू का कोई स्वार्थ नहीं था, उसको वो केवल अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा था। वे चाहता तो आकर के कह सकता था गुरु से हाँ मैंने निवेदन किया और भोग पवाया, फिर खुद पा करके जा सकता था। सरल था, स्वभाव बहुत सिद्ध था, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कितने आएंगे इस बार, उसे चिंता इस बात की थी कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है, पहली चिंता ये थी।
और दूसरी की तो मायने ही नहीं है, प्रथम के मायने है। इसलिए उस चेले को भी दर्शन हुआ और उस चेले के कारण गुरुदेव को भी दर्शन हुआ। ये भाव की बात है। ऐसे ही नामदेव के कारण वामदेव जी को भी दर्शन हुए, भाव की बात थी। क्योंकि यदि विट्ठल नाथ नहीं आते तो नामदेव छुरी चला देता तो इल्जाम सीधा सीधा विट्ठल पर आ जाता, उसकी भक्ति पर आ जाता, उंगली उठ जाती उसकी सेवा पर। इसलिए विट्ठल नाथ ने अपने उस नियम को तोड़ दिया कि मैं एकांत में मिलूंगा। आइए 5 मिनट का संकीर्तन, उसके बाद आगे की वाणी। ये भाव कैसा है, देखिए। बड़े बड़े संत फकीर हुए हैं इस जहां में, लेकिन उसकी मंजिल का पता केवल और केवल वही व्यक्ति पा सकता है जिसके हृदय सरलता से भरा हो, भाव से भरा हो, केवल और केवल सरलता से भरा हो। त्रिलोचन जी की तरह, चोबे जी की तरह, ग्वारिया बाबा की तरह, रस खान की तरह, बिंदु जी की तरह, श्री हनुमान प्रसाद जी की तरह। आइए इस भाव के साथ आपकी तार करतार से जोड़ते हुए। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से जहाँ तुम हो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, जहाँ तुम हो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। बरसाने के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, बरसाने के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, दिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। Thank you.
वाला का कि ये इश्क नहीं घर खाला का, किसी को भी समझना लाजिब है। हर नक्शे कदम में दिल भर के इस सर को झुकाना पड़ता है। प्रभु की हर रीत में अपने आप को संजोना पड़ता है, तब जाकर के उसके घर का पता चलता है। और जिसको उसके घर का पता मिल गया, जिसको उसके घर का पता मिल गया, मानो उसको खुदा मिल गया। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, ओ फकीरी में भी मुझको मांगने शर्म आती है, के किसे फक्कर दे हाल नू छेड़ियो ना, किसे फक्कर दे हाल नू छेड़ियो ना, पावे हाल तो बेहाल होवे तेना छेड़िए फकीर दी गोदड़ी नू, शायद गोदड़ी दे विच लाल होवे। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता, ये भाव है भगत का कि मैं तुझे देखूं तो देखूं तुम मुझे मत देखना, तुमने देखा तो मुझे गुरूर हो जाएगा। मैं तुझे देखूं तो देखूं तुम मुझे मत देखना, तुमने देखा तो मुझे गुरूर हो जाएगा। मैं मांगू तो मांगू तुम मत देना, तुमने दिया तो मैं सेवक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा होकर के दर दर हाथ फैलाया नहीं जाता, तेरा होकर के दर दर हाथ जाता, तेरा होकर के दर दर हाथ फैलाया नहीं जाता, तेरा होकर के दर दर हाथ फैलाया नहीं जाता। भजो प्यारे मोहब्बत असल में मखमूल वो राज़े हकीकत में, मोहब्बत असल में मखमूल जो राज़े हकीकत है, समझ में आ ही जाती है ये समझाया नहीं जाता, समझ में आ ही जाती है इसे बोल। श्री माँ के बिहारी लाल की जय। इस मोहब्बत को समझने के लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ती,
केवल प्रेम, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, अब फिर कर रहा हूँ कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न गोए और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। आपको कोई आवश्यकता नहीं किसी ग्रंथ की, यदि केवल आप अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी से प्रेम कर बैठे, उन्हें भाई मान ले, उन्हें सखा मान ले, उन्हें पति मान ले, आप जो मर्जी मान ले। बिंदु जी ने कितने सुंदर शब्द कहे हैं, कैसी सोच रही होगी उनकी, कैसी सोच रही होगी, कितना सुंदर लिखा है। कि मैं देखूं तो देखूं पर तुम मुझे मत देखना, तुमने देखा तो मुझे गरूर हो जाएगा, मैं मांगू तो मांगू तुम मत दे देना, तुमने दिया तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। ठाकुर मैं प्रेमी कहां रहूंगा, मैं तो मजदूर हो जाऊंगा, आप मुझे कभी देना मत। सूरदास जी बहुत सुंदर सुंदर पद गाया करते थे। एक बार की बात है, इसके बाद संकीर्तन की ओर चलेंगे, कथा को विश्राम। छोटी सी बात याद आ गई सूरदास जी की। सूरदास जी सुंदर सुंदर पद गायन करते थे और राधा रानी से मिलने जाया करते थे ठाकुर जी। एक दिन राधा रानी से खेलते खेलते समय ज्यादा हो गया तो अचानक से भागने लगे ठाकुर जी। राधा रानी बोली, अरे प्रियतम आप कहां जा रहे हैं? बोले सूरदास जी बहुत सुंदर सुंदर पदों का गायन करते हैं, मुझे अति प्रिय है, कहीं गायन छूट ना जाए, मुझे इसलिए जल्द से जल्द मंदिर में पहुंचना है, मुझे अपने अपने परिकर में पहुंचना है। राधा रानी बोली, ए ठाकुर, ए मेरे ठाकुर, मेरे प्रियतम, मेरे काना, आज मैं भी सुनना चाहती हूँ सूरदास के पद। बोले ठीक है, आप मेरे संग चलिए। सूरदास जी पद गायन कर रहे हैं और सम्मुख विराजमान सरकार, युगल सरकार विराजमान है। सूरदास जी को आंखों से दिखता नहीं लेकिन प्रेम इतना है सूरदास जी का बिहारी जी से। देखिए सुनने वाली बात है, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको सूरदास जी की कहानी कथा बता रहा हूँ ये हकीकत का वर्णन है और इसकी कोई कैसेट नहीं है, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, ये किसी संत से सुनी हुई बात है और हकीकत की बात है, इसका प्रमाण भी दिया उन्होंने, ये बिल्कुल हकीकत की बात है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, शायद शायद इस भाव से आपके मन में आपकी भक्ति अंकुरित होने लगे, केवल इसी भाव से ये आपको भाव सुना रहा हूँ। इसके बाद क्योंकि मेरे बड़े भाई लोग मेरठ से आए हैं, वापसी मेरठ जाना है उन लोगों को, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वो नाच करके हाजिरी ऐसी लगाते हुए जाएं ताकि मेरठ तक वो जब पहुंचे तो वो मेरे ठाकुर की तरह दोनों बाजू फैला करके बस राधा 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 करते मेरठ पे जब उतरे, मेरठ की धरती पर जब पैर रखे और उनसे कोई पूछे कहां से आए हो तो कह दे कि मैं हरिनाम संकीर्तन से आया हूं, ताकि ने देख करके जो भी देखे वो भी हरिनाम संकीर्तन की ओर दौड़ पड़े। सूरदास जी पद गायन कर रहे हैं और युगल सरकार विराजमान है, युगल सरकार सुन रही है भाव। आज बिहारी जी के मन में एक चेष्टा जागी कि क्यों ना आज सूरदास जी को श्री राधा रानी का दर्शन करवा दिया जाए। बड़ी चतुराई से जैसे युगल सरकार खड़े थे तो एकदम बिहारी जी बोल उठे, राधा जी थोड़ा सा पीछे होके खड़े हो, आप ज्यादा निकट जाएंगे तो सूरदास जी आपके चरणों को छू लेंगे, आपसे दूर ही कितनी है, ढाई पग तो दूर बैठे हैं। इशारे ही इशारे में सूरदास जी को संकेत कर दिया कि ढाई पग दूर आपसे सूरदास, आपसे राधा रानी खड़ी है, इशारे ही इशारे में कि राधा रानी आप थोड़े पीछे होकर के खड़े हो, ढाई पग पर तो खड़े हैं सूरदास बैठे हैं, आपके पगों को छू लेंगे, आपके चरण कमल को छू लेंगे। संकेत मिल गया सूरदास जी को, जैसे अभी बिजली गई पहले संकेत बताया, समझने वाले के लिए केवल संकेत काफी है। सूरदास जी के कान खड़े हो गए, ठाकुर जी आज लीला कर रहे हैं।
सूरदास जी मस्त है अपनी पदावलियों में, अपने पद गायन में। राधा रानी तो उनसे भी ज्यादा भोरी है, राधा रानी और थोड़ी सी आगे गई। ठाकुर जी बोले, राधा रानी अब तो आप केवल आधा पग दूर रह गई हैं, पीछे आ जाइए, सूरदास जी को भनक लग गई तो चरण छू लेंगे। राधा रानी जो ही पीछे मुड़ करके बिहारी जी से कुछ कहती, सूरदास जी ने उनके पग पर हाथ रख दिया और इतनी तेज हाथ रखा, इतने कोमल कोमल चरण मेरी किशोरी जी के, कि उनके बिछुए का एक नुपुर एक घुंघरू उतर के सूरदास जी के हाथ में आ गया। सूरदास जी के हाथ में, सूरदास जी कहने लगे, अरे अरे ये मेरे हाथ में क्या आ गया? भगत के वश में है भगवान, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने, ये हकीकत है। सूरदास जी कहने लगे, ये किसका किसका नुपुर है? पास खड़ी राधा रानी बोली, अरे ये हमारा नुपुर है, आप हमें लौटा दें। सूरदास जी बोले, मैं क्या जानू ये नुपुर आपका है, दिखता मुझे है नहीं, अगर ऐसा नुपुर और है तो बताएं। बोले, नहीं मेरे बिछुए में केवल एक ही घुंघरू लगा है। बोले, तो फिर दूसरा बिछुआ भी होगा? बोले, हाँ दूसरे पग में भी है। बोले, तो दूसरे पग को आगे करो, मैं हाथ लगा के देखना चाहता हूँ, अगर वैसा ही नुपुर होगा तो मैं लौटा दूंगा। राधा रानी ने बड़े कोमल कोमल चरण दूसरे भी आगे कर दिए, सूरदास जी ने दोनों पगों को पकड़ लिया और जोर से अंकों में ले लिया। बोली, राधा रानी सरकार की बोल दिया करो, इसमें कोई मोल नहीं है। बोली, राधा रानी की जय, कितनी लीला है, शायद मेरा जीवन समाप्त हो जाए लीला बखान करते करते, लेकिन पूरी बात नहीं बता पाऊंगा। इस समय न जाने क्या क्या भाव जाग रहे हैं, इतनी 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 कोमल मेरी राधा रानी, इतना सरल स्वभाव मेरी राधा रानी का, जानती थी, जान के दूसरा पग भी आगे कर दिया। बोले, राधा रानी मैं आपके पगों में दम देना चाहता हूं, मर जाना चाहता हूं। बिहारी जी आ गए कि कुछ गजब ना हो जाए, आगे आ गए बिहारी जी। बिहारी जी ज्यों ही आगे आए, कहने लगे, सूरदास जी जिनके चरण कमल आपने पकड़े हैं, ठीक है वे राधा रानी ही हैं, आप उनके चरण छोड़ रहे हो कि नुपुर इनका ही है। लेकिन सूरदास के मन में ना जाने क्या चल रहा था। बोले, ठीक है बिहारी जी, आप कहते हैं तो मैं राधा रानी के कमलों को छोड़ देता हूँ, लेकिन एक वादा करना होगा, मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ, आप देंगे? बोले, अरे एक बार आज आपको राधा रानी देंगी और एक बार आज बिहारी हम देंगे आपको, आज आप दो दो बार मांगिए। मानिए जैसे जैसे सूरदास को आज कोई खजाना मिल गया। राधा रानी ने बात जान ली कि आज ये युगल सरकार के रूप में हम दोनों का एक साथ दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे ही तथा अस्तु कहा और सूरदास जी के नेत्र आ गए। अपने नेत्रों से दर्शन किया आज सूरदास जी ने श्री बांके बिहारी लाल का, मेरी श्री राधा रानी सरकार का, और इतनी मनमोहक छटा, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज मानो सूरदास जी दम तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन आज उन्होंने कुछ और ही मांग लिया दूसरे वर में। बिहारी जी ने कहा, अब मुझसे मांगने की बारी है, मांगो क्या मांगना है? सूरदास जी बोले, मैं आपसे जो मांगूंगा, आपको कसम है कि आप वह वर मुझे देंगे, आप अपनी बात से पीछे नहीं होंगे। बिहारी जी बोले, आपको शंका है क्या? बोले, मेरी डिमांड ही इतनी बड़ी है कि आप मुकर सकते हैं अपने वादे से।
सूरदास जी के शब्दों ने झुंझोड़ दिया बिहारी जी को कि ना जाने आज ये क्या मांगने वाला है। ठीक है सूरदास जी, हम आपको वचन देते हैं, वचन देते हैं, वचन देते हैं, तीन बार कहा कि हम आपको वचन देते हैं, आप जो मांगेंगे देंगे। सूरदास जी ने कहा आप मेरे नेत्र जो अभी अभी किशोरी जी ने दिए हैं आप इन्हें पुनः ले लीजिए। राधा रानी की आंखों में अश्रु भर आए। सूरदास जी ये क्या बात कर रहे हैं, आपने सदैव पदों में हमें गाया है, निरख निरख गुण गाऊं, न जाने कितने कितने ही पद गाएं, आज देखना चाहते हो तो देखो जी भर के, आज हम प्रत्यक्ष हैं, आप जीवन भर निहारिए हमारी छटा को, और आप नेत्र वापस देना चाहते हैं। बोले तुम्हें देखने के बाद अब और किसी चीज को देखने की तमन्ना नहीं है। आइए छोटा सा भाव, उसके बाद संकीर्तन की ओर चलेंगे। पुनः वही बात, बार बार वही बात, शब्द कुछ और होंगे शायद सूरदास जी के, लेकिन भाव यही रहा होगा। हमारे बाऊजी श्री विनोद अग्रवाल जी बाऊजी का लिखा हुआ ये भाव, उन्हीं का ही गाया हुआ ये भाव। आइए सभी मिलकर के इस भजन के बाद दो चार भजन नृत्य के, और उसके बाद ठाकुर जी को नाच करके रिझाने के बाद आज की कथा विश्राम की ओर जाते हुए, आइए नाचते हुए। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। दोनों हाथ उठाकर के ताली की सेवा करते हुए क्या हो, रंग ढंग मुझको नहीं चाहिए, दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको नहीं चाहिए, दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं के देखूं, तेरा दीदार काफी है। के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। किस से तेरा एक प्यार काफी। श्री
हट के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे जगत के कान बाजों से हुए हैं कान अब बहरे जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे कहाँ जाके सुनूं अनहद कहाँ जाके सुनूं अनहद कहाँ जाके सुनूं अनहद कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झलकार काफी है कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झलकार काफी है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी मेरी आंखों में हो हरदम मेरी आंखों से हो हरदम मेरी आंखों में हो हरदम मेरी आंखों में हो हरदम तेरी चमकार काफी है मेरी आंखों में हो हरदम तेरी चमकार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का 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 तेरे भक्तों से हो प्रीति 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 यही परिवार काफी है तेरे भक्तों से हो प्रीति यही परिवार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रंग
मेरा दीदार काफी है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा आज कथा के बीच में एक बात मैंने आपसे पूछी थी कि कौन कौन बरसाना नहीं गया, जरा पुनः हाथ उठाइए आज तक जो बरसाना नहीं गया। क्या आपकी इच्छा है बरसाना जाने की सच में? तो लीजिए आपके लिए एक खत आया है श्री जी के यहाँ से, उस खत को महसूस कीजिएगा कि वो खत केवल आपके लिए है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आप केवल ध्यान देना, इस भाव में डूब जाना कि श्री जी ने आप तक ये खत भेजा है। यकीन मानिएगा कैसे बुलाएगी और कैसे प्रबंध होगा जाने का, वो सब फिर उस पर छोड़ देना। आप देख लेना जल्द से जल्द बरसाना पहुंच जाओगे, लेकिन भाव रखना कि श्री जी ने, मेरी राधा रानी ने हम तक खत भेजा है। और जो निरंतर जाते हैं बरसाना, उनकी तो बात ही क्या है, वो तो पहले ही लाइन पर मुझे लगता है इस भाव में डूब जाएंगे। श्री जी ने बुलाया है और नाच करके भैया, किसी किसी भक्त को यदि किसी कहीं की इंतजार हो, आप किसी मजिस्ट्रेट से मिलना चाहें, किसी जज से मिलना चाहें, कोई पेश ना चल रही हो और सामने से खत आ जाए, वो आपको बुला ले, आपने कभी ख्वाब में ना सोचा हो, तो आप नाच नाच करके खुशी मनाएंगे। यहाँ तो सच्ची सरकार आपको बुलावा दे रही है, तो आज संकीर्तन के विश्राम में नाच करके हाजिरी लगाइए। और इसके दरबार में जो नाचता है ना, फिर वो संसार के इशारों पर नहीं नाचता प्यारे। श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है, श्री जी ने बुलाया है, श्री जी ने बुलाया है, बोली राधा रानी की जय। श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है, ओ श्री जी ने बुलाया तो जाना है, श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है। एक बार गए श्री राम, केवल वही नाचेगा जिसको लगता हो कि वाकई में श्री जी ने बुलाया है।
श्यामा बुलाए जिसे वो लोग निराले हैं। तेरी श्यामा बुलाए जिसे वो लोग निराले हैं। हम क्यों ना इतराए हम खाने वाले हैं। हम क्यों ना इतराए बरसाने वाले हैं। बरसानों की गलियों में बरसाने की गलियों में जीवन ये बिताना है। बरसाने की गलियों में जीवन बिताना है। हमको तो जाना है। श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है। हम पागल दीवानों का बरसाना ठिकाना है। बरसाना ठिकाना है बरसाना ठिकाना है। श्री जी ने बुलाया है हमको तो मिल जाना है। श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है। श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है। श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है। कोई चिंता सताए न डर श्यामा के चहेतों को। श्यामा के चहेतों को श्यामा के चहेतों को लाडो करा दी है। लाडो करा इसकी फिकर लगती ना नजर उसको। लगती ना नजर उसको लगती ना नजर उसको। गोपाली को चौखट पे गोपाली को चौखट पे जीना मर जाना है। श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है। श्री जी ने बुलाया है हमको तो आना है। श्री जी ने बुलाया है हमको तो आना।
श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है, श्री जी ने बुलाया है तो आना है, श्री जी ने बुलाया है हमको तो जाना है। और मैं कहूँगा जय वृंदावन, आप कहना जय बरसाना। अरे जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, अरे जय वृंदावन, 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 बोली राधा रानी की। ये राधा नाम की मस्ती केवल पागलों पर चढ़ती है भैया। आपको आप सबको परिचय करा दूं, ये जो भी मंडली नाच रही थी इनको मेरठ में श्री लाडली जू संकीर्तन समिति और पागलों की टोली के नाम से जाने जाते हैं भैया ये लोग। आप मेरठ में कोई भी आपका रिश्तेदार हो तो पूछ लेना कि मेरठ में कोई पागलों की टोली है तो वो इन सब का नाम बताएंगे। लेकिन एक बात और समझ लेना, पागल कौन से, गलत अर्थ मत ले लेना। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं और मेरी मेरी कहने वाले सब पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, अरे सच्चा पागल वो है जो पागल बाके बिहारी का, ये वो पागल है। अगर इन पागलों के संग जरा सी हवा भी लग गई ना तो पूरे पागल हो जाओगे, इसलिए जरा खड़े होकर के। और कल का संकीर्तन थोड़ी सी और पिला दे हमारी भाभी को, भैया नहीं पीते भाभी जरूर पीती हैं, राधा नाम है। आइए कल का संकीर्तन, कल की जो कथा 2 बजे प्रारंभ होगी, कथा 3:30 बजे ही प्रारंभ होगी, लेकिन उससे पूर्व 2 बजे इस मंदिर की महिला मंडली की जो प्रधान है हमारी श्री ममता दीदी जी, उनके द्वारा पहले संकीर्तन होगा लगभग 2 घंटे, 2 बजे से पूरे 4 बजे तक। अगर आप लोग लेट आओगे तो समय की कटौती आपकी खुद की होगी, देख लो जो संकीर्तन वाले हैं साथ में जो भी दीदी बहने हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ। 2 बजे से 2 घंटे संकीर्तन आपका, उसके बाद कथा, और कथा के बाद कल होली उत्सव है भैया। हो राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता, हो राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता, 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 राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। चड्डा जी कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, ओ कली कली में महक
महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में महक उसी की, हर पक्षी में महक उसी की। नाचे मोर कोके नाचे मोर कोके नाचे मोर कोके कोयलिया कारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता राम की लगाए फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता हो राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता बोले राधा रानी की पवन भैया राधा नाम का खिल गया उपवन 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 महक उठा सारा वृंदावन महक उठा सारा वृंदावन ओ महक उठा सारा वृंदावन उठा सारा वृंदावन मुझे गली गली में शोर भारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता के पत्ता पत्ता शाम बोलता के पत्ता पत्ता शाम बोलता ओ पत्ता पत्ता शाम बोलता पत्ता पत्ता शाम बोलता रो राम की राधा राम की राधा राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोले युगले सरकार की राधा रानी के प्यार की प्रेम के जल से सींचिए बगिया 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 महके ग्वाले महकी सखियां महके ग्वाले महकी सखियां महके ग्वाले महकी सखियां सब रसिकन को ओ सब रसिकन को ओ सब रसिकन को लागी है प्यारी ए पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता के पत्ता पत्ता शाम बोलता के पत्ता पत्ता शाम बोलता ओ पत्ता पत्ता शाम बोलता पत्ता पत्ता शाम बोलता राम की राधा राम की राधा राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा राम की लगाई फुलवारी के पत्ता श्री राधा जय
जय राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। अच्छा एक भाव मन में आ रहा है पिला दे श्याम नाम की मस्ती हले पैर नहीं उठे साढ़े उठन का टाइम आ गया थोड़े पैर नहीं उठे पिला दे शाम नाम की मस्ती पिला दे शाम नाम की मस्ती पिला दे हरि नाम की मस्ती पिला दे हरि नाम की मस्ती पिला दे शाम नाम की मस्ती पिला दे शाम नाम की मस्ती पिला दे हरि नाम की मस्ती पिला दे हरि नाम की मस्ती पिला दे हो जाम पर जाम पीने का क्या फायदा सुन लेना भैया जो पीने पाने की बात करते हैं जाम पर जाम पीने का क्या फायदा रात भर का नशा है उतर जाएगी मेरे मोहन की नजरों से पी कर तो देख सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी सारी जिंदगी नशे में जाएगी सारी जिंदगी नशे में और जब नशा हो जाएगा ना हरि नाम का तो प्यारे बिहारी से यही कहते फिरोगे गली गली थोड़ी सी और पिला दे 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 थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे 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 थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे 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 जो पीते हैं मैं खाने में जाकर जो पीते हैं मैं खाने में जाकर वो गिरते हैं अनजाने में जाकर जो जो फिर पीते हैं मैं खानों में जाकर वो गिरते हैं अनजानों में जाकर किसी का मुंह नाली में पड़ा है कुत्ते चाट रहे हैं ऐसा ही होता है जो पीते हैं जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला वो गिरते हैं मोहन की झोली में जाकर 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 थोड़ी सी और पिला दे 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 थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे 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 पीते पीते मैं पागल हुआ पीते पीते मैं पागल हुआ हाय पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते 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 हाय पीते
पीते पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते 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 हाय पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते 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 पिलाने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है। पिलाने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। फिर भरी महफिल फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है। आयाओ प्यारे हो यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। हरि नाम पिलाई जाती हरि नाम पिलाई जाती। और एक बात और सुन लेना भैया, हमारे पूजनीय श्री विजय चड्डा जी बैठे उनसे कह रहा हूँ कि ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक कि ना पीने का शौक है ना पिलाने का शौक। हमें तो केवल नजरें मिलाने का शौक है और नजरें भी उनसे मिला बैठे हम और नजरें भी उनसे मिला बैठे हम। जिन्हें नजरें मिला के पिलाने का शौक है। लेकिन ये मैं ये हरि नाम की मैं क्या चीज है समझ लीजिएगा। अभी नजरों से नजरें मिलाई ही थी अभी नजरों से नजरें मिलाई ही थी नजरों से नजरें मिलाई ही थी। जुर्म इतना हुआ कि नशा हो गया जुर्म इतना हुआ कि नशा हो गया जुर्म इतना हुआ कि नशा हो गया जुर्म इतना हुआ कि नशा हो गया। जिसको बचना है नजरों से बचके रहो बचके रहना प्यारे अलर्ट कर रहा हूँ। जिसको बचना है नजरों से बचके रहो जिसे बचना है नजरों से बचके रहो वरना बोलोगे हमको नशा हो गया वरना बोलोगे हमको नशा हो गया वरना बोलोगे हमको नशा हो गया वरना बोलोगे हमको नशा हो गया। और जब नशा हो जाएगा तो गली गली एक ही बात कहोगे क्या थोड़ी सी और पिला दे और पिला दे थोड़ी सी 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 और पिला दे सी और पिला दे थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे 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 थोड़ी सी और पिला दे। पीते पीते मैं पागल हुआ पीते पीते मैं पागल हुआ ओ पीते पीते मैं पागल हुआ पीते पीते मैं पागल हुआ हाय पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते 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 हाय पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते 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 हाय पीते पीते हाय पीते पीते हाय पीते 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 हाय पीते पीते हाय पीते पीते कौन कौन चाहता है कि इन पागलों की तरह लोग आपको भी कहें जहां जिस रास्ते से निकलो कि देखो हरि नाम का पागल जा रहा है। और यदि कोई आपका नंबर फीड करे अपने मोबाइल में तो लिखे राधा नाम पागल वाला
कौन कौन चाहता है? मैंने पहले ही कहा इसके नाम के पागल अव्वल होते कि हमारे बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं कि हमारे बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो भैया, हम पागल ही अच्छे हैं भैया, हम पागल ही अच्छे हैं भैया, हम पागल ही अच्छे हैं भैया, हम पागल ही अच्छे। और कैसे कहना है सरकार से ये समझ लीजिए। कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल 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 मेरी विनती, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। तेरे नाम का लेके सहारा चलता है परिवार हमारा, चलता है परिवार हमारा, कभी कमी नहीं होनी चाहिए, कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। तेरे सहारे चल जीवन नैया आप निकालो बनके खिवैया, आप निकालो बनके खिवैया, नैया मेरी पारदाता होनी चाहिए, नैया मेरी पारदाता होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए।
तेरे नाम की जोगन बन के, 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 छम छम नचू मैं तो रोगन बन के, छम छम नचू मैं तो जोगन बन के, नाम कुमारी चढ़ी होनी चाहिए, नाम कुमारी चढ़ी होनी चाहिए, तेरे पागलों में, तेरे पागलों में, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए, कबूल 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 मेरी बिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में, तेरे पागलों में, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए, बोले राधारानी की, बोले पागलों के पागल की, जानते हो कि पागलों का पागल है कौन, कौन दो लाइन जिसने सबको पागल बना रखा, नचना शाम चलो, चलो लेकिन वादा करना होगा आप जाओगे नहीं, होनी में देखो जाना नहीं, सुदीप भैया को देखो, हो सकता है शायद व्यासपीठ कुछ कहना चाह रहे, ईमानदारी की बात पे कि हमारा हृदय नहीं है कि आप जाएं, और फिर भी अगर जाना चाह रहे आज मैं नच लेने दे, होनी में नचना, होनी में नचना, होनी में नचना शाम दे नाल, आज मैं नच लेने दे, नी में नचना शाम दे नाल, आज मैं नच लेने दे, होनी में नचना शाम दे नाल, आज मैं नच लेने दे, नचना शाम दे नाल, आज मैं नच लेने दे, नच लेने दे मेरा मुरली ओ मेरा मुरली, मेरा मुरली वाला यार, आज मैनू नच लैन दे, मुरली वाला यार, आज मैनू मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लेने दे, श्री राधे दुनिया दे लई नचया बथेरा, दुनिया दे लई नचया बथेरा, फिर भी कोई बनया ना मेरा, फिर भी कोई बनया ना मेरा, ओ दुनिया दे लई नचया बथेरा, दुनिया दे लई नचया बथेरा, फिर भी कोई बनया ना मेरा, फिर भी कोई बनया ना मेरा, मेरा मुरली ओ मेरा मुरली, मेरा मुरली वाला यार, आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे, Thank you.
मैं भी वृंदावन विच जावांगी मैं भी वृंदावन विच जावांगी मैं भी वृंदावन विच जावांगी मैं भी प्यार मोहन दा पावांगी मैं भी प्यार मोहन दा पावांगी मैं भी वृंदावन विच जावांगी मैं भी वृंदावन विच जावांगी मैं भी प्यार मोहन दा पावांगी मैं भी प्यार मोहन दा पावांगी मैं भी वृंदावन विच जावांगी मैं भी वृंदावन विच जावांगी मैं भी प्यार मोहन दा पावांगी मैं भी प्यार मोहन दा पावांगी मैं भी जावांगी प्यार पावांगी ओ मैं भी जावांगी प्यार पावांगी ओ मैं भी जावांगी प्यार पावांगी ओ मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे नच दा शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे वाला यार आज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच 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 लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे नच लैण दे नच नच के इबादत कर इबादत करण नाल गल बन जांदी है किसे दी आज बन जांदी है किसे दी कल बन जांदी है बोल वृंदावन बिहारी लाल की आज के जो जजमान है आज के जजमान मंच पर आज के जो जजमान हैं और जो मेरठ से आए हैं और जो वापसी मेरठ अभी जा रहे हैं राधा 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 Oh,
बोल श्री राधा रानी सरकार की जय जय जय।